जी देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से नई हिदायत जो हमें प्राप्त हुई है कोरोना को लेकर के, उसी को लेते हुए आज हम लोगों ने सिविल सर्जन और पीएमओ की देखरेख में एक मॉक ड्रिल की थी, जिसमें हम लोगों ने अपनी जो तैयारियां हैं कोविड-19 को लेकर के, उसमें कहाँ खड़े उतरते हैं, चाहे वो सैंपलिंग का काम है, चाहे वो हमारे कोरोना को के बेड या एडमिशन को लेकर के है, या टेस्ट को लेकर के है, या हमारी जो दवाइयाँ हैं या एम्बुलेंसेज हैं। मॉक ड्रिल हम लोगों ने सक्सेसफुल जो है वो पूरी कर ली। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपनी तरफ से जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें लगभग 10 बेड की फिलहाल व्यवस्था की है, क्योंकि अभी तक कोई भी केस जिला जींद के अंदर कोविड-19 का पॉजिटिव नहीं है। तो 10 बेड यदि फिलअप हो जाते हैं तो हम लोग उसको आगे फिर 20, 50, 100 जितने बेड की आवश्यकता समय के अनुसार होती रहेगी, हम लोग उसको एज इट इज करते रहेंगे। और सैंपलिंग की अगर हम बात करें तो फ्लू कॉर्नर को हम लोगों ने 126 नंबर पुरानी बिल्डिंग में जो है उसको एक्सक्लूसिवली फ्लू कॉर्नर के लिए डेजिग्नेट कर दिया है। और वहाँ पर सुबह और शाम, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक सैंपलिंग का कार्य रेगुलर किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो नाइट ड्यूटी के लिए भी हम लोग अपना जो एम्प्लॉय स्टाफ है उसको तैनात करेंगे। और इसी तरीके से जो ऑक्सीजन प्लांट है हमारा, या लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक हैं, आईसीयू की व्यवस्था है, सभी चीज़ें हम लोगों ने दुरुस्त कर ली हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हम लोगों को आने वाली है। हम लोगों को जो पहली और दूसरी लहर के अंदर कोविड की जो ट्रेनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हम लोगों ने स्ट्रेंथन कर लिया था, और अब की बार हम लोग पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आम जनता से यही गुजारिश है कि डरने की आवश्यकता नहीं है। जो सावधानियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से समय समय पर जारी की जाती हैं, सभी उनका पालन करें। भीड़ भाड़ में इलाके में जाने से बचें, मास्क का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइज करते रहें समय समय पर, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। एक मैसेज और मैं देना चाहूँगा, जिन लोगों को हमारी जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है कोरोना की, वो यदि नहीं लगी है तो अपनी गाइडलाइन के हिसाब से पहली और दूसरी वैक्सीन लगवा लें, और जिन लोगों का बूस्टर डोज ड्यू है वो बूस्टर भी सभी लोग लगवा लें, ताकि जो कोरोना की नई लहर है उससे बचा जा सके। पवन चित्रकार के नमस्कार, आप सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अलकावासियों व प्रदेशवासियों और देशवासियों को जननायक जनता पार्टी व लाडले मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को रोहिला परिवार की तरफ से नए वर्ष की शुभकामनाएं। सभी देश व प्रदेशवासियों को श्री राम फोटो स्टेट जुलाना की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देश और प्रदेशवासियों को SSP परिवार की तरफ से नव वर्ष की ढेर ढेर शुभकामनाएं। सभी प्रदेशवासियों को मनोज लाठर की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से नव वर्ष पे ढेर सारी शुभकामनाएं। जुलाना वासियों को महिला स्कूल जुलाना की तरफ से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को और सभी समस्त जुलाना वासियों को मेरी तरफ से और मेरे कार्यालय की तरफ से, सभी स्टाफ की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आप सभी प्रदेशवासियों को A+ जुलाना की तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार सभी देशवासियों को और सभी प्रदेशवासियों को रोहिला स्कूल की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक बधाई। जी नमस्कार, सभी प्रदेशवासियों को आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुलाना की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अलकावासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बड़ी खुशी की बात है, बड़े भाईचारे के साथ आज ब्लॉक समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं, इसमें पूरे भाईचारे का अहम योगदान रहा है, बहुत ही बढ़िया।